हाय गाइस, ये अपर पोमर का कैन जाना गाना का ये गिटार ट्यूटोरियल है। सो कीप वॉचिंग। ये गाना में बेसिकली सिर्फ चार कॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट कॉर्ड इसका जी मेजर होते हैं और ई माइनर और सी मेजर और लास्ट कॉर्ड जो है डी मेजर। हाँ, तो यही चार कॉर्ड्स था ये गाना का और कोई दूसरा कॉर्ड्स नहीं है। और ये कॉर्ड्स लोग इंट्रो भी होते हैं और सारा वर्स भी यही कोर्स से चलते हैं। हाँ, मगर कोरस अलग हो जाते हैं, उसे बाद में सिखाऊंगा। पहले इंट्रो पे अभी हम आ जाते हैं। इंट्रो पे सबसे फर्स्ट कॉर्ड होगा जी, उसके बाद ई माइनर, उसके बाद सी, उसके बाद डी, रिपीट। इंट्रो यही होते हैं। उसके बाद इसके स्ट्रमिंग पैटर्न अभी हम सिखाएंगे। इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो है जी कॉर्ड पकड़ेगा ना, और सबसे लास्ट स्ट्रिंग को बजेगा, बेस स्ट्रिंग को ना। अभी कॉर्ड चेंज होगा ई माइनर। ई माइनर में भी सेम स्ट्रिंग, सबसे लास्ट स्ट्रिंग को बजेगा। उसका बाद पीछे सी, सी कॉर्ड्स पकड़ेगा और ये फिफ्थ स्ट्रिंग को बजेगा, सेकेंड लास्ट स्ट्रिंग को, इसको इसको ना। उसका बाद फिर से लास्ट डी कॉर्ड, डी कॉर्ड में ये फोर्थ स्ट्रिंग को बजेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा, नहीं बजेगा। डी कॉर्ड में ये फोर्थ स्ट्रिंग को बजेगा, इसको। अब स्टार्टिंग एक बार सिखाएगा, देखो। तो यही है इंट्रो और वर्स का। यही कोर्स रिपीट होते रहेगा, ये स्ट्रमिंग पैटर्न सेम रिपीट होते रहेगा पूरा गाना में। उसके बाद अभी हम कोरस को सीखेंगे। कोरस में थोड़ा चेंजेस होते हैं। तो कोरस का फर्स्ट कोड होते हैं सी, सेकेंड डी और थर्ड जी। ये कोरस जो है ये तब होते हैं जब मुख अजन मुख अजन नोमे मुपादुना मुख अजन नोमे हपादुना। ये कोरस का अभी स्ट्रमिंग पैटर्न भी पहले जैसे ही है। सी से स्टार्ट होते हैं कोरस ना, मुख अजन सी, सी कोड पकड़ेगा और ये फिफ्थ स्ट्रिंग को बजेगा डी जी। सी से स्टार्ट फिर से और एक बार मुख अजन नोमने से अपर पोमर सेम। हाँ, सो गाइस, यही कोर्स है ये गाना का और कोई और कोर्स नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।